समाधान नमस्कार आदाब मित्रों स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का योग की हम चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने देखा कि एक है भौतिक योग जिसमें हमारा योग हमारी याद वस्तुओं से जुड़ी हुई होती है दूसरा है लौकिक योग जिसमें हम अपने संबंधियों को याद कर रहे होते हैं कोई अपनी माँ को कोई अपने पिता को कोई अपने बच्चों को तीसरा है अलौकिक योग जिसमें हम अपने इष्ट को याद करते हैं किसी देवी देवता को याद करते हैं किसी फरिश्ते या धर्मस्थापक को याद करते हैं लेकिन इन सबसे अलग श्रेष्ठ और सर्वोच्च योग राजयोग है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जिसमें हम परम सत्ता को परम पिता को याद करते हैं और डायरेक्टली उनसे ही सर्व प्राप्तियां करते हैं ये राजयोग हमें क्या क्या प्राप्तियां कराता है या ईश्वर पिता से हमें क्या क्या प्राप्त होता है उसकी सुंदर चर्चा हमारी चल रही थी आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आदरणीय राजयोगी व्रेता सूर्य जी के साथ प्राता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है प्राता जी जहाँ पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि जहाँ प्राप्तियों की बात आती है कि हमें ये ये प्राप्तियाँ इस चीज़ से होती हैं तो बरबस ही व्यक्ति उस ओर आकर्षित होता है तो राज्यों की ये जो प्राप्तियाँ हैं या परमात्मा से जो प्राप्तियाँ हैं उस पर जरूर कुछ प्रकाश डालें बिल्कुल इस समय हम सबको ये बहुत अच्छा फायदा हुआ कि योग लगाकर प्राप्तियां करें उसके अलावा हो गया ये बहुत सारी प्राप्तियां हो गई, तो प्रभु प्रेम में मगन होने की एक नेचुरल बात सामने आ गई। नहीं तो प्रभु प्रेम में मगन होना सबके की बात नहीं होती लेकिन जहां प्राप्तियां बहुत हो वहां तो प्यार स्वतः ही चला जाता है और वो भी भगवान के द्वारा प्राप्तियां और वो भी ऐसी प्राप्तियां जो आज तक कोई नहीं करा पाया था अब उनके प्रैक्टिकल अनुभवों के आधार से मैं कुछ प्राप्तियों की चर्चा यहाँ करना चाहता हूँ हम सब भटक रहे थे सत्य को जानने के लिए कभी ये पुस्तक पढ़ते थे वो ग्रंथ पढ़ते थे इस गुरु के उस गुरु के पास जाते थे कुछ प्रश्न ऐसे होते थे जिसको लेकर हम हर व्यक्ति का दिमाग खाते थे लेकिन भगवान ने स्वयं आकर सत्य ज्ञान प्रदान किया बहुत बड़ा उपकार किया तो हमारी बुद्धि को सत्य ज्ञान से भर दिया जैसे वो स्वयं त्रिकालदर्शी है हमें भी बहुत बना दिया स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया तो बहुत बड़ी प्राप्ति तो यह हो गई कि हमें सत्य के लिए भटकना नहीं पड़ा लोगों के चरण स्पर्श नहीं करने पड़े स्वयं सत्य चलकर हमारे पास आ गया दूसरी बात देखें में से अनेकों के जीवन में उसने आते ही मीठे बच्चे कहकर दुख हर लिए लोगों के अनुभव होंगे जिनका जीवन दुखों में व्यतीत हो रहा था कोई मरने की सोच रहे थे कोई अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो गए थे कोई ये कहते थे भगवान ने दुनिया बनाई क्यों हमें इस दुनिया से ले चलो प्रभु मुक्त कर दो हम यहाँ नहीं आना चाहते ना त्रस्त हो बिल्कुल त्रस्त अपनों से दुखी थे जीवन में सुखों के द्वार खुल गए कितनी बड़ी चीज होगी यही देख लीजिए आप कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो और डॉक्टर एक इंजेक्शन दे के सदा के लिए उसका बुखार ठीक कर दे तो उस व्यक्ति का प्यार कितना हो जाएगा डॉक्टर से कि देखो कितनी बड़ी बात नहीं हो, हो जाता है। भगवान ने तो जन्म जन्म के दुख हर लिए प्रैक्टिकल उसको दुख हरता कहते थे अब उसने दुख हर लिए और आगे चले एक बहुत बड़ी चर्चा आज तक होती रही थी भाग्य बढ़ाया या कर्म बढ़ा भाग्य भगवान के हाथ में या मनुष्य के हाथ में भाग्य के हाथ में मनुष्य है या मनुष्य के हाथ में भाग्य है अब उसका बिल्कुल स्पष्टीकरण मिल गया कि भगवान आकर भाग्य बनाने की विधि बताता है और भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में थमा देता है और कहता है जैसी चाहे भाग्य की रेखाएं खींच लो तो भाग्य बनाना हमारे अपने हाथ में आ गया और अनेकों के भाग्य का सितारा जगमगा उठा अनेकों के भाग्य ने करवट बदल दी जिनका जीवन विघ्नों में था जिनकी बिगड़ चुकी थी जो कष्टों में जीवन भोग रहे थे धन भी नहीं रहा था कदम कदम पर कठिनाइयाँ थी अभाव थे उनका भाग का सितारा चमकने लगा बहुत बड़ी देन हुई है। अनेक बार साकार में उन्होंने आकर सभी को प्यार दिया केवल गाते थे तो प्यार का सागर है कोई सोचता होगा कि क्या हमें भी भगवान का प्यार मिलेगा भगवान का प्यार मिला प्रैक्टिकल में उसको प्यार देते हुए देखा लाखों लाखों आत्माओं ने उसके इस परम पवित्र प्यार का रसा स्वादन किया कितना बड़ा भाग्य हो गया कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई हमने उसे इस धरती पर देखा भगवान को कर्म करते देखने का सुख छोटा सुख नहीं है उससे बहुत सारी लौकिक चीजें छोटी मोटी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं व्यक्तिगत अगर हम प्राप्तियों की बात करें अनेकों के रोग ठीक हो गए आजकल समाधान को सुन के तो हो ही रहे हैं पर उससे पहले भी ज्ञान लिया मन में खुशी आ गई ओहो भगवान मिल गए चित शांत हो गया और गोलियां छूट गई जो लोग बीस बीस गोली रोज खाते थे कई लोग अपना अनुभव सुनाते हैं हमने तो पहले दिन से छोड़ दी थी कि बस भगवान मिल गया अब वो हमें संभालेगा हमें इन गोलियों जो जहर है इसको नहीं खाना है हजारों के ऐसे अनुभव है लाखों के आज तक तो पहुंच गए और सब ठीक हो गए तो ये प्राप्तियां हुई स्वयं भगवान ही हमारा हो गया भगवान से अपनेपन की फीलिंग होने लगी हम भगवान के बहुत समीप पहुंच गए जब इन सब चीज़ों को याद करते हैं कि ज्ञान लेने से पहले हम क्या थे और ज्ञान लेकर हम क्या बन गए तो मन से आवाज़ उठती है हे शिव बाबा अगर आप हमें ना मिलते तो आज हम कहाँ होते आपने आकर हमें सच्ची राह दिखा दी अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया हम पर बड़े उपकार किए हैं आपने भविष्य की बात तो छोड़ो कि वो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं लेकिन उसने वर्तमान में ही हमें जीवन जीना सिखा दिया सफलता के द्वार खोल दिए ये सब प्राप्तियां राज्योग से हो रही हैं इसलिए हम कहते हैं कि राजयोग ही अनेक अभावों का बीमारियों का निराशा सफलताओं को दूर करने का एक मात्र साधन है उसकी ओर हम जितना आगे बढ़ेंगे हमारे मन की शक्तियाँ बढ़ेंगी बौद्धिक विकास होगा बीमारियाँ ठीक होंगी आयु लंबी होगी परिवारों में सुख शांति होगी अनुभव की खान बन जाएगा जी बिल्कुल आपका आपके इस इन अनुभव युक्त बातों को सुन के ही लग रहा है भ्राता जी की तमाम जितनी भी समस्याएँ हैं बातें हैं उन सब के निदान की एक ही चाबी है एक ही संजीवनी है और वो राजयोग है इसीलिए हम राजयोग की इतनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं जी अब तक हम जो ईश्वर हैं पिता हैं हमारे उन्हें या तो किसी स्वार्थ से याद किया करते थे या फिर चलो हमारे माता पिता या बड़े करते रहे हैं इसलिए याद किया करते थे लेकिन वो जो प्रेम का संबंध होना चाहिए वो प्रेम वाला संबंध नहीं था नहीं। जो प्राप्तियां आप कह रहे हैं शायद ये प्रेम के संबंध से ही संभव है ये कैसे हो? प्रेम ही मन को एकाग्र करता है एकाग्रता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है आज तक भी मनोवैज्ञानिकों ने या तपस्वियों ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें संसार के सामने रखी लेकिन ये सब रखने के बाद भी एकाग्रता बहुत कठिन होती गई साधकों के लिए भी कठिन होती गई लेकिन आप देखिए एक वैज्ञानिक सहज एकाग्र रहता है कारण है लक्ष्य उसके प्रति अपना संपूर्ण डेडिकेशन लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन और प्यार हमारी एकाग्रता को बहुत बढ़ा देते हैं तो परमात्म प्रेम हुआ इसलिए नहीं कि तो परमात्मा का किसी को ज्ञान था फिर देवी देवताओं की भक्ति पूजा शुरू हो गई और फिर क्या हुआ 100-200 साल से कि के भक्ति केवल अल्पकालीन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए की जाने लगी देवी देवताओं या श्री कृष्ण श्री राम के भी प्यार में बहुत कम केवल ये इच्छा है भाई बच्चा बहुत बीमार रहता है किसी ने कहा है भागवत की कथा करा दो सात दिन ठीक हो जाएगा तो उनको कथा से कोई लेना देना नहीं होता चलो पंडित को पैसा दिया भाई तुम कथा कर लो सुनने वाले लोग आ गए तो ये छोटी छोटी जो अल्पकालीन कामनाएं पूर्ण करने के लिए भक्ति हो गई और उससे पूरी भी होने लगी इन सब के कारण प्यार की जो बात है भगवान से वो हो नहीं पाई तो अब भगवान ने आकर पहले तो अपना ज्ञान दिया और फिर हमारा ज्ञान दिया इस सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया तो ज्ञान को जानने से हमारा जो तीसरा नेत्र खुला तो एक जागृति आई और भगवान को हम पहचान सके उससे हमारा नाता जुड़ा प्यार के लिए नाता जुड़ना आवश्यक होता है जब तक नाता ही ना हो तो हम किसी सड़क पर घूमते हुए व्यक्ति से प्यार तो करेंगे नहीं इसलिए बिल्कुल इसलिए उससे नाता जोड़ना यही परमावश्यक है उसकी प्राप्तियों को याद करना ये परमावश्यक है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना यह आवश्यक है तब हमारे अंदर उसके लिए प्यार की बहुत अच्छी फीलिंग होती जाएगी लेकिन एक चौथी बात भी है जो जरा अध्यात्म की है कि अगर हमें बॉडी कॉन्शियस रहता है क्योंकि परमात्मा निराकार है बॉडी लेस है वह व्यक्त है शरीर है तो जब तक हम भी आत्मा न बने देहभान से न्यारे सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में ना आए तब तक वो प्यार बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन जैसे जैसे हम मैं आत्मा हूँ ये देह अलग है हम बॉडी लेसनेस की स्थिति को लेते जाएंगे तो परमात्म प्यार की ओर हमारा आकर्षण होता जाएगा हम्म हम्म ये भी एक बहुत सुंदर बात आ, आपने कही जी क्योंकि कई बार यही होता है कि हम कैसे उस तक पहुँचें कैसे अपना कनेक्शन जोड़ें कैसे प्यार पैदा करें इन सब चीज़ों के बारे में एक अविद्या सी ही रही है।, रही है और एक प्रयास व्यक्ति आ, ने सही तरीके से नहीं किया अन्यथा अब तक वो जुड़ गया होता तो अब जो सुंदर ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम से हम उनसे जुड़ सकते हैं और ये कहा भी जाता है जी कि जब तक संपूर्ण ज्ञान ना हो तब तक हमें कहीं भी पहुँचना सहज नहीं होता है तो संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हुआ योग की ओर अब यदि हम बढ़े अब राजयोग की यदि हम शुरुआत कर रहे हैं प्राथमिक तौर पे यदि हमारे दर्शक अब बैठ रहे हैं राजयोग के अभ्यास के लिए से से शुरुआत करें तो है? पहली बात बात मैं पिछली बात से ही जोड़ना कि इसको केवल ध्यान कहा समझ ले लोग कि परमात्मा के स्वरूप पे हमें ध्यान लगाना मतलब केवल बैठने की बात नहीं है कि हम दस मिनट आधे घंटे एक घंटे बैठ गए तो ये बैठक वाला योग नहीं है ये तो केवल बैठना इसलिए होता है कि एकाग्रता बढ़ जाए मन का भटकना रुक जाए लेकिन इसको हम प्रेम योग बना दे राजयोग प्लस प्रेम राजयोग ऐसा कर दे जैसे गीता में भी कहा गया हाँ। है प्रेम क्योंकि बिना प्रेम के नातों का सुख नहीं मिलता है परमात्म नाता है हमसे वो हमारा पिता है शिक्षक है जिसकी चर्चा हम कराए हैं कि वो हमारा बंधु भी है खुदा दोस्त भी है प्रियतम भी है माँ भी है तो इस नाते में प्यार जिसकी चर्चा अभी हमने की हम उसके प्रति प्यार बढ़ाएं अपनापन बढ़ाएं ये नाता जोड़ लें प्रैक्टिकल में तो ये प्यार का जो नाता है पहला योग का कदम यह है कि हमारा उससे संबंध हो जाए संबंध को हम स्वीकार कर लें जो आज तक केवल गाने के लिए था वो अब प्रैक्टिकल हो जाए संबंध जुड़ जाए और दूसरा उससे अपनापन फील हो जरूरत इस बात की बहुत ज़्यादा है कि भगवान अब भगवान नहीं हमारा है चाहे वो हमारा परम पिता है या हमारा खुदा दोस्त है चाहे हम उसको अपना प्रियतम माने ये बात भक्ति में भी चली लेकिन कोई एक दो व्यक्ति ऐसा भक्त कर पाया जैसे मीरा ने किया श्री कृष्ण को अपना प्रियतम माना और बहुत अच्छी बात उसके लिए थी कि जब वो चित्तौड़ का किला छोड़कर और वृंदावन में गई तो अंदर जो गोस्वामी जी थे वहाँ के मेहनतिया गुरु थे उनको संदेश भिजवाया कि मीरा आई है चित्तौड़ से आपके आश्रम में रहना चाहती है प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती है गोस्वामी जी ने उत्तर भेज दिया यहां कोई नारी नहीं रह सकती अभी मीरा सोचने लगी रहना तो मुझे यही है उसने वापस उत्तर भेजा कि मैंने तो सुना था कि पुरुष तो केवल एक ही है बाकी तो सब नारिया ही हैं अब ये बात सुनते गोस्वामी जी का नेत्र खुल गया और कहा वेलकम आ जाओ भाई तो देखिए ये नाते की बात है उससे हमारा नाता जुड़ जाए प्यार हो जाए हम उसकी ओर तो मीरा ने भी उसको प्रियतम बनाया था तो प्यार जुड़ गया था ना और इतना और प्यार में भी व्रता हाँ। निमाई हुए उन्होंने भी बिल्कुल अपने आप को उसके प्यार में डुबा दिया, था, दिया वो था। रास्ते में भी भक्ति भावना भजन करते हुए चलते थे तो वो भी उनका गायन बहुत था गुजरात में भी नरसिंह देखिए भगवान को उसने बांध लिया जी प्यार में ही तो बांधा ना जो उसको उसके लिए सब कुछ करने पर विवश होना पड़ा इतना प्यार हो गया तो ये प्यार बहुत बड़ी चीज है भगवान के लिए लेकिन जैसा आज तक रहा था कि गिने चुने लोग भाई करोड़ों में से कोई एक भक्त ऐसा कर पाता था लेकिन अब तो जब परमात्मा ने स्वयं आकर प्यार दे दिया उधर से भी जब प्यार मिलता है तो हमारी ओर से प्यार और बढ़ जाएगा ना जब हमने परमात्म प्यार को अनुभव किया तो वो हमें बहुत प्यारा लगने लगा तो दोनों ओर से काम हो गया है अब तो इसलिए अब हम अपना परमात्मा से नाता जोड़े उसे अपना फील करें और उसके प्यार में पहले मगन हो ये योग का पहला स्टेप होगा तो मैं आत्मा हूं आत्मा यहाँ मस्तक के बद्ध में दोनों प्रकुटियों के बीच में रहती है हम अपने आत्मिक स्वरूप पर दृष्टि डालें मैं ये हूँ ये नहीं ये गुड फीलिंग हम सारा दिन में चलते फिरते कामकाज करते हुए करने लगे मैं ये देह नहीं हूँ मैं तो यहाँ बैठी आत्मा हूँ ज्योति स्वरूप हूँ अपने स्वरूप को विजुअलाइज करें उसको फील करें उसको रियलाइज करें ये प्रैक्टिस बहुत सुंदर रहेगी जिसको चलते फिरते और काम काज करते करना चाहिए इस प्रैक्टिस से क्या होगा मन एकाग्र रहेगा जो काम काज में भी मनुष्य का मन भटक जाता है या कार्यों में लग जाता है या मनुष्य कहने लगता है मैं तो बहुत बिजी हो गया बाकी सब भूल गया तो कार्यों के संकल्प टेंशन के संकल्प चिंताओं के संकल्प इस शरीरीपन के अभ्यास में समाने लगेंगे और मनुष्य को कर्म करते ऐसा लगेगा कि वो निर्लेप है वो कुछ नहीं करता है नहीं। जैसे कर्मेंद्रियों के द्वारा वो कार्य करा रहा है तो पहली धुन लगानी चाहिए राज्यों के जिज्ञासु को कि मैं आत्मा हूँ आंखों के द्वारा देख रही हूँ देखें सीन देखें और पांच सेकंड के लिए गुड फीलिंग ले आए ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रही हूँ मैं अंदर हूँ ये आड़कियां है, है, हैं और ये बाहर का सीन देख रहे हैं फिर कभी ऐसी फीलिंग ले लें मैं कानों के द्वारा ये सब सुन रही हूँ आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूँ भोजन करें तो एक गुड फीलिंग ले लें मैं तो आत्मा हूँ मुख के द्वारा भोजन स्वीकार कर रही हूं तो ये प्रैक्टिस कुछ दिन के लिए बहुत ज़्यादा करनी चाहिए इसकी धुन लगा देनी चाहिए ताकि सोल कॉन्शियसनेस बढ़ने लगे और बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होने लगे और जब दूसरों को देखें उन्हें भी इस दृष्टि से देखें दे आर सोल्स आत्माएं हैं ये सब देह तो इन्होंने वस्त्र की तरह पहना हुआ है इससे पहले इनके पास दूसरा देह था उससे पहले एक तीसरा देह था इसके बाद एक नया देह होगा यह स्थिति मेरी होगी अब मैं इस देह में हूँ आत्मा इससे पहले किसी और देह में थी इसके बाद किसी और देह में जाऊँगी अपने संबंधियों को बच्चों को पति को सास ससुर माँ बाप भाई बहन सबको देखे इस जन्म में ये मेरे रिलेटिव हैं इसे पूर्व जन्म में कोई और थे इसे नेक्स्ट बर्थ में कोई और होंगे इससे आत्मिक दृष्टि बढ़ेगी और मन बहुत शांत और एकाग्र होने जी, इसमें एक चीज हो सकती है मैं आत्मा अपने आप को समझ रहा हूँ एक चिंतन में ला रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ और ये सब भी आत्माएं हैं लेकिन मान लीजिए मुझे वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही है तो मैं कैसे इस चीज को क्लियर करूँ जिसने ज्ञान लिया है वो इस सत्य को स्वीकार कर ले जी कि भाई ये देह तो निर्जीव है नस्वर है हम सब देखते हैं रोज लोग देह छोड़ रहे हैं मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं बच्चों का जन्म हो रहा आत्मा देह ले रही है तो इस जानकारी के आधार से के आत्मा ही असली तत्व है अभ्यास करें मैं भी आत्मा हूं सब आत्माएं हैं आत्मा, है। आत्मा ज्योति है ये देह तो हमने लिए हैं बदलने हैं छोड़े हैं नए मिल जाएंगे हम तो आत्माएं हैं फिर धीरे धीरे क्या होगा आत्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करें आत्मा कैसी है उसका अपने मन में एक चित्र बना लें बुद्धि में चित्र बना लें और उसको देखें मैं आत्मा यहाँ ब्रेन के बीच में विराजमान हूँ मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं प्रकाश फैल रहा है धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस हो तो पाँच सेकेंड स्वयं को विजुअलाइज करें फिर दस सेकेंड करें एक मिनट करें इससे बहुत आनंद की अनुभूति होने लगेगी और फिर आगे बढ़ेंगे तो आत्मा के जो सब गुण हैं उन पे गहन चिंतन करें जिसकी चर्चा हम पहले भी कराए हैं okay. एक एक गुण को हम स्वीकार करते चलें मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ तो मैं सुखी हूँ दुख मुझे स्पर्श नहीं कर सकता मैं तो बहुत सुखी हूँ सुख तो मेरी नेचर है सुख तो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता मैं सुखी हूँ तो ये फीलिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो दुख आप ही दूर होते जाएंगे तो ये बहुत बड़े फायदे होंगे ये प्रैक्टिस बहुत बढ़ानी चाहिए मतलब ये खजाने हमारे पास हैं जैसे हम वो कहते भी हैं कि कस्तूरी मृग की भांति हम थे कि बाहर हम उस खुशबू को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो जो शांति है आनंद है प्रेम है शक्ति है पवित्रता है मेरे अंदर है जितना मैं इसके चिंतन में रहूँ जितना अपने स्वरूप का अभ्यास करूँ उतना उतना मैं इसकी अनुभूति कर पाऊंगा और संभवतः दूसरों को दे पाऊंगा बिल्कुल ये हमारे अंदर से इमर्ज होती जाएंगे हमारा जीवन हमारे व्यवहार से हमारे बोल से वो चीजें दूसरों को दिखाई देने लगेंगे ये बहुत सुखी हो गए और यही हुआ है राजयोग करने जो लाखों लोग आए तो सब कहने लगे भाई इनको वहां जाके बहुत शांति मिली ऐसे कितने केसेज होंगे हजार होंगे युवक बहनों के पति मर गए युवक कोई तीस साल की कोई पैंतीस साल की एक दो बच्चे उनको आप समझते हैं लेडी के लिए ये कितना बड़ा पहाड़ होता है, है ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है उसको लगता है अब संसार में मेरा तो कोई नहीं रहा मेरा फ्यूचर क्या होगा सास ससुर भी अगर सहयोगी ना हो अच्छे व्यवहार वाले ना हो तो लग, उसको लगेगा मेरा जीवन जीना मृत्यु के समान हो जाएगा करने आए बहुत जगह ऐसा होता है किसी की मृत्यु पर वो लोग हमारी बहनों को बुला के जैसे साप्ताहिक ये भागवत कथा आदि करते हैं ना तो वो साप्ताहिक कोर्स कराते हैं नहीं। नहीं। वहां से उन्हें ज्ञान अच्छा लगा मृत्यु क्या है इसका आभास हुआ मृत्यु के सत्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब जीवन शांति में बिताना है अब भगवान को अपना प्रियतम बनाना है और ऐसी हजारों बहने हमारी जो बहुत दुखी थी सात दिन में ही उनका जीवन सुखों से भरपूर हो गया हमारे पास प्रैक्टिकल उदाहरण है। हमारे यहाँ की वो अनुभव सुनाती हैं कि हम तो ऐसे हो गए थे संसार में कुछ नहीं हम जीकर क्या करेंगे पर बच्चों के लिए जीना पड़ेगा अब कष्टों में जीवन बीतेगा लेकिन अब भगवान के साथ जीवन बीत रहा है अब वो हमारा प्रियतम है मेरी और मेरे बच्चों की केयर भी वो करता है मुझे इसका आभास होता है तो पहले दिन से सुखों से जीवन शांति से जीवन भरपूर हो गया बिल्कुल कितनी सुंदर बात है व्रता जी की जहाँ एक दुख ही दुख था पहाड़ था वहाँ पे सुख शांति में जीवन हो गया और इस पहले स्टेप से ये हो गया एक बहुत अच्छी बात है व्रता जी एक बात मुझे बीच में आपसे पूछनी है कि जब ये विजुअलाइजेशन की बात थी आत्मा की क्योंकि देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है एकाग्रता के लिए तो हमारे यहाँ पीस ऑफ माइंड चैनल में भी सारे दिन बहुत सुंदर सुंदर वीडियोज और मूवीज आती रहती हैं जिसमें आत्मा मणि के रूप में दिखाया जाता है हम कैसे इस देह से निकलते हैं वो दिखाया जाता है क्या ऐसे वीडियोज भी हमारे योग में सहायक हो सकते बिल्कुल है? हमारे पीस ऑफ माइंड को मैं भी कभी देखता हूँ सवेरे चार बजे चालू कर देता हूँ जिनका योग न लगता हो वो अपने घर में पीस ऑफ माइंड का जो चैनल है वो ले लें और सवेरे चार बजे से खोल दें उसको उस समय मेडिटेशन मेडिटेशन है की पूरी की पूरी कमेंट्री प्रैक्टिस सब बहुत सुंदर होती है और बहुत लोगों ने सीख लिया उससे मुझे लोग बताते हैं जी, जी, हमसे विजुअलाइज करना नहीं आता था हमसे योग में ये ये नहीं होता था देख हम सब कुछ सीख गए विजुअलाइजेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है देखिए मन और बुद्धि जो दो चीजें हैं मन थिंकिंग करता है और बुद्धि विजुअलाइजिंग करती है तो बुद्धि जितना विजुअलाइज करेगी मन उतना ही उसी चीज पे लगने लगेगा बुद्धि के द्वारा आत्मा को हम देख रहे हैं तो मन आत्मा के बारे में ही सोचने लगेगा तो दोनों का फोकस एक जगह हो जाएगा और इसको कहते हैं कंसंट्रेशन जहाँ मन और बुद्धि दोनों एक जगह लग जाएं, उसमें तल्लीन हो जाएं, इसको एकाग्रता कहते हैं यही दोनों परमात्म स्वरूप पर लग जाए उसको देखने लगे उसका चिंतन करने लगे तो योग में परम सुख हो जाता है तो ये जो हमारी वीडियोस हैं जो हमारे चैनल्स पे भी आ रही हैं, अलग से लेने की भी जरूरत नहीं उनसे विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस बहुत सहज हो सकती है बहुत और ये बहुत आवश्यक भी हो जाता है योग के लिए दोनों चीजें साथ साथ क्योंकि बहुतों का ये एक कॉमन प्रश्न आता है हम लोगों के पास कि मन बहुत भटकता आ, है बुद्धि बहुत भटकती है आ, हम हम जब भी योग के लिए बैठते मेडिटेशन के लिए बैठते हैं मन यहाँ चला जाएगा वहां चला जाएगा आ, तो त्रस्त होके परेशान होके वो उठ जाते हैं योग से तो एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि कैसे हम अपने मन बुद्धि को बिल्कुल जब किसी का योग का अभ्यास अच्छा होगा ही नहीं तो योग से उसकी अरुचि हो जाएगी वो योग के अभ्यास को छोड़ने लगेगा और इससे उन्हें बहुत नुकसान हो जाता है इसलिए मन में बहुत अच्छे चिंतन के साथ योग की शुरुआत करें जी। होता क्या है कि लोग ऐसे ही बैठते हैं कि चलो योग अभ्यास करना है और पहले क्षण से उनका मन इधर उधर लेकिन अपने को कुछ अच्छे मन में देना यहाँ से शुरुआत करें मैं आत्मा हूँ महान आत्मा हूँ हो भगवान मुझे मिल गया मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया मेरे लिए भगवान स्वर्ग की सौगात लाया है वहाँ उसे याद नहीं करूंगा तो भला किसे याद करूंगा ऐसे दो तीन मिनट सुंदर चिंतन करें जिससे मन प्रसन्न हो मन ईश्वरीय नशे में स्थित हो जाए फिर मन भागेगा नहीं बिल्कुल बहुत सुंदर भ्रता जी ये चर्चा तो खैर हमारी अभी हमने शुरुआत ही की है राजयोग का एक पहला पड़ाव जो आपने बताया है कि मन को आनंदित करें बुद्धि को भी हम वो एकाग्र करें और मन के जो भी मतलब आत्मा के जो गुण हैं उनका चिंतन करें बहुत अच्छा लग रहा है अनुभूति सुंदर हो रही है दर्शकों को भी सुंदर अनुभूति हो रही है आगे भी इस भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे भ्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों राजयोग एक बहुत गहन विद्या है गुह्य विद्या है और राजयोग भारत की प्राचीनतम विद्या है जिसके माध्यम से नर्क को परमात्मा ने स्वर्ग बना दिया था या दानो तुल्य मनुष्यों को देव तुल्य बना दिया था इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गहन विद्या होगी कितनी महान विद्या होगी जितनी महान है जितनी गहन है उतना ही सहज भी है यदि हम इसे समझ लेते हैं तो आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे मुझे ये बारीक बातें समझ में आती चली जा रही है मैं उनका अनुभव करता चला जा रहा हूं मेरे साथ साथ आप सब भी इन चीज़ों का बारीकी से गहनता से अनुभव कर रहे होंगे फिर भी यदि कोई बात आपके मन में है इससे संबंधित आप अपने प्रश्न अपनी बातें अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि उन्हें भी हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें और योग को और गहन से गहनतम करते चलें मुझे एक बात याद आ रही है कि एक रानी थी जिसके गले में हार थी आप सब ने भी वो बात सुनी होगी स्नान करने गई नहाने के बाद बाहर आई उसे ऐसा लगा कि मैंने हार निकाल के बाहर रखा लेकिन बाहर आने के बाद उसे दिखाई नहीं दिया वो बहुत शोर करने लगे कि मेरा हार कहाँ चला गया हार कहाँ चला गया और चारों तरफ ढूंढने के बाद भी वो हार नहीं मिला किसी सज्जन ने देखा और कहा महारानी हार तो आपके गले में ही पड़ी हुई है बात कितनी सत्य है शांति सुख सुकून आनंद शक्ति ये सब चीज़ें हमारी अंदर ही पड़ी हुई थी लेकिन अब तक हम इसके लिए बाहर भाग रहे थे अब आवश्यकता है बाहर की दौड़ को छोड़कर अंदर की ओर भागे अंदर की ओर डूबें, तो वो शांति वो आनंद हमें प्राप्त होती चली जाएगी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि शांतिमय आपका दिवस हो सुखमय आपका दिवस हो नमस्कार